देखिए, हम एक कंसेप्ट देखने जा रहे हैं और उसका नाम है बैक टाइट्रेशन। ये बैक टाइट्रेशन है क्या? एक तरह से देखा जाए तो हम इस तरह की टाइट्रेशन में क्या करते हैं, हम एसिड है, एसिड में बेस मिलाया, एसिड में क्या मिलाया, बेस। और एसिड में बेस जब हम मिला रहे हैं और हमने बेस की क्वांटिटी ज्यादा मिला दी, मान लीजिए यहाँ पर N1V1 है, यहाँ पर N2V2 है और बेस एक्सेस में मिला दिया, और ये हमारे पास क्या है, लेस अमाउंट में, ठीक है। तो ये हमने ले, तो ये हमारे पास एक्सेस है, ये लेस अमाउंट में, तो अब बचेगा क्या, टाइट्रेशन पूरी कर हमने, बेस बचेगा और बेस में पता है कितने इक्विवेलेंट बनेंगे, N2V2 - N1V1 ये हमारे पास बचेंगे। और अब इस बचे हुए बेस को हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे वापस, एसिड। ये हमारा एसिड पहले वाले से अलग भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो ऐसे ये हमारे लिए फर्स्ट था, ये हमारे लिए सेकंड था, तो इसका यूज हो रहा है हमारे पास N3V3। तो एक तरह से हमारे पास एसिड सेकंड जो हमारे पास है, जिसके आपके पास क्या है, N3V3, इसकी क्वांटिटी किसके इक्वल हो जाएगी, जो फर्स्ट रिएक्शन में एक्सेस बेस है या रिमाइंडर बेस है, बेस कितना है आपके पास, N2V2 - N1V1, ये कहलाएगा डबल टाइट्रेशन, क्योंकि आपने दो बार टाइट्रेशन की है, पहले एसिड की बेस के साथ, फिर बचे हुए बेस की एसिड के साथ। तो ये कहलाएगी आपकी फर्स्ट टाइट्रेशंस और ये आपकी कहलाएगी सेकंड टाइट्रेशंस, और यहां आपके पास आ जाएगा फिर इक्विवेलेंट पॉइंट, इक्विवेलेंट। और अगर आपने कलर चेंज हो रहा है, इंडिकेटर ले रखा है, तो आप क्या बोलोगे, एंड पॉइंट। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा N3। अब इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया SL थ्योरी, सुनील लखोटिया थ्योरी क्या कहती है, इस तरह की टाइट्रेशन में टोटल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट ऑफ बेस, कर दो, दिमाग ज्यादा मत लगाओ कितनी बार, ये तो ठीक है आपने दो बार टाइट्रेशन की, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, बैक टाइट्रेशन, पहले एसिड की बेस के साथ, फिर बेस की एसिड के साथ, और ट्रिपल बैक करना हो एसिड की बेस के साथ, फिर बेस की एसिड के साथ, फिर एसिड एक्सेस हो जाता तो बचे हुए एसिड की वापस बेस के साथ, ऐसे कितनी बार कर सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं है। तो टोटल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एक तरफ रखो, टोटल इक्विवेलेंट ऑफ बेस एक तरफ रखो, आपका सेम रिजल्ट आएगा। इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितने, N3V3, और दूसरा पहले कितना था, N1V1, तो N1V1 + N2N3V3, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, बेस के, जो कि क्या है, N2V2। तो बताइए ये इक्वेशंस और ये इक्वेशंस सेम आ रही है या नहीं आ रही है, बराबर आ रही है, तो तरीका ये ज्यादा अच्छा है एक लाइन में होने के लिए, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना होगा। इंडिकेटर आप जानते हैं, रेडॉक्स में इंडिकेटर हमने अभी डिस्कस किया, आज थोड़ा सा एसिड बेस के अंदर इंडिकेटर, एसिड बेस के अंदर इंडिकेटर जो होंगे वो वीक एसिड वीक बेस होंगे, और कुछ खास इंडिकेटर है, जैसे सबसे पहले हम लेते हैं बड़े नाम वाले, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज सबसे पहला, फिर छोटा नाम मिथाइल रेड, फिर बड़ा नाम फिनोल रेड, और फिर सबसे बड़ा नाम फिनोफ्थेलिन। देखिए, बड़े नाम ऊपर नीचे, छोटे नाम बीच में, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फिनोल रेड, फिनोफ्थेलिन। अब इनकी जो पीएच रेंज होगी वो होगी यहां से 3 से 5, 5 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। अगर रेंज आपको याद है तो आपको सब काम हो जाएगा। जब पीएच सॉल्यूशन की 8 से 10 के बीच में होगी, तो ये अपना कलर चेंज करके एंड पॉइंट क्रिएट करेगा, ये 6 से 8 के बीच में शो करेगा, ये 5 से 6 के शो करेगा, और ये 3 से 5, यानी ये एक तरह से देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में, ये स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में, और ये अप्रोक्सीमेट न्यूट्रल मीडियम में अपनी पीएच, अपने कलर चेंज करके आपको एंड पॉइंट के बारे में जानकारी देंगे। क्लियर है, इसको लिख लो पहले आप।
अब आपका दिमाग जा रहा होगा इसको बैक टाइट्रेशन क्यों कह रहे हैं। बैक ऐसे बोल रहे हो भाई, पहले बेस एसिड की बेस के साथ कर रहे थे, अब बेस की एसिड के साथ कर रहे हो, तो बैक हो गई वापस। तो पहले बेस के साथ कर रहे थे, अब एसिड के साथ कर रहे हो, इसलिए इसको बैक टाइट्रेशन बोल रहे हैं। और कोई डाउट? सेकेंड टाइट्रेशन के अंदर जब हमने एसिड मिलाया है तो बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी में, लिमिटेड, जिससे ये इसके इक्वल हो सके। और यहां हम इक्विलेंट पॉइंट लेके आ गए, इसीलिए इक्विलेंट पॉइंट आ रहा है। इसका मतलब ये उतना ही मिलाया जितना ये था, ये बचा हुआ था, ठीक है। जबकि यहां हम इसको क्या मिला चुके थे, एक्सेस में मिला दिया। तो ये हम बहुत जगह यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डबल टाइट्रेशन। हेडिंग डाल लीजिए, डबल टाइट्रेशन। ये डबल टाइट्रेशन का मतलब दो बार टाइट्रेशन करना है। तो इसका मतलब पहले जो हम टाइट्रेशन कर रहे थे, कई बहुत सारी करी, उनमें क्या दो बार नहीं कर रहे थे, कर रहे थे, तो इस उन्हें भी डबल बोल सकते थे, बोल दो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन भी होती है साथ के साथ, वो मैं समझा रहा हूं। देखो आप इस सॉल्ट को देखो, NaHCO3 और H2CO3, ठीक है, और एक और सॉल्ट है Na2CO3। ये देखिए ये कहलाता है एसिड, क्योंकि H है, इसको बोलते हैं कंप्लीट सॉल्ट। अब ये आधा न्यूट्रलाइज है, आधा नहीं है, समझ में आ रहा है? तो ये क्या कहलाएगा, इसके पास अभी भी एक एच है, तो अभी भी एक एच है, तो ये हमारे लिए कहलाएगा एसिडिक सॉल्ट। कुछ इसको एम्फोटेरिक भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये कहते हैं होता है एसिडिक है, लेकिन इसमें एन ए प्लस भी है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसको एम्फोटेरिक सॉल्ट भी बोलते हैं, एम्फोटेरिक सॉल्ट या एम्फोटेरिक सॉल्ट। इसकी खास की बात क्या होती है, NaHCO3 की, ये NaOH के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और HCl के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। NaOH के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा, Na2CO3 प्लस प्लस H2, ठीक है, और HCl के साथ रिएक्शन करके बनाएगा NaCl प्लस H2CO3, जो कि बाद में डिकम्पोज हो सकती है H2O प्लस CO2 में। तो बताओ ये एसिड के साथ, बेस के साथ, दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है, हाँ। तो इसको क्या बोलोगे आप, एम्फोटेरिक सॉल्ट, क्योंकि इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है, तो कुछ इसको एसिडिक सॉल्ट भी बोल सकते हैं, बहुत आसान है। लेकिन पता है खास बात क्या है, क्योंकि ये वीक एसिड से बना हुआ है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो इसकी पीएच 7 से ज्यादा आएगी इंडिविजुअली। तो ये सारे पॉइंट्स मेरे साथ एक एक करके आ रहे हैं। और Na2CO3 बेस के साथ अब रिएक्शन नहीं करेगा, ये सिर्फ किसके साथ रिएक्शन करेगा, HCl के साथ, और कितने मोल कंज्यूम करेगा, ट्वाइस HCl। तो यहां क्या बन जाएगा, H2CO3 प्लस ट्वाइस NaCl, और ये सिर्फ किसके साथ रिएक्शन करेगा, बेस के साथ। हो सकता है ये दो स्टेप में करे, पहले NaHCO3 बनाए, फिर आगे लास्ट में Na2CO3 बनाए। इस तरह से ये रिएक्शन देखने को मिलेगी आपको। तो एम्फोटेरिक मतलब आपको थोड़ा सा सॉल्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सेम ऐसा ही पेयर एक और भी है, आप जानते हो, ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, फिर उसके बाद आ गया NaHCO4, फिर उसके बाद आया Na2C2O4। बताइए ये क्या है, एसिड, वीक एसिड, पॉलीटॉपिक है, दो एच दे सकता है, ये क्या है, एम्फोटेरिक सॉल्ट इसका, और ये क्या है, इसका कंप्लीट सॉल्ट। कोई डाउट? तो एम्फोटेरिक वाला सॉल्ट कौन सा होगा, ये जो सिर्फ नहीं, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है, ये सिर्फ एसिड के साथ करेगा और ये सिर्फ बेस के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये एक तरह से हाफ न्यूट्रलाइज सॉल्ट भी कहला सकते हैं, कि एक पार्ट हो चुका है, एक हाइड्रोजन हो चुका है, एक हाइड्रोजन बाकी रहा है। तो आपको सॉल्ट के बारे में कुछ दिमाग में चमका? तो मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ डबल सॉल्ट में, मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ वो तो आप बाद में पढ़ेंगे, पहले सॉल्ट के बारे में आपकी कितनी नॉलेज है वो आपको जरूरी है।
तो हम इस टॉपिक के अंदर ऐसे सॉल्ट को पकड़ के लाएंगे जो जिसके अंदर इस तरह का कुछ देखने को मिले आपको, यानी ऐसा एसिड होगा जो पॉलीटॉपिक होगा, पॉलीटॉपिक दिस टाइप। हम कोई भी ये एसिड के बारे में नहीं पढ़ेंगे, CH3COOH, क्योंकि ये मोनोप्रोटिक है, एक ही एसिड एक हाइड्रोजन है। तो पहले तो ये चीज समझ लो आप, हटा दिया जाए ये, सही है। तो जब आपकी सॉल्ट की नॉलेज अच्छी है, होनी भी चाहिए, तो डबल टाइट्रेशन आपको समझ में आएगा। डबल टाइट्रेशन में आपको क्या दिया जा रहा है, इस चीज को समझें आप। डबल टाइट्रेशन में आपको इस तरह से मैं दूंगा, H2CO3 प्लस NaHCO3 का मिक्सचर दूंगा मैं, समझ में आ रहा है? अगर मैंने ये आपको दिया तो आपको इस मिक्सचर के अंदर परसेंटेज बतानी है इसके लिए और इसके, यानी इनका इंडिविजुअल अमाउंट बताना है, इसका x ग्राम और इसका y ग्राम। तब आप कैसे करेंगे, आप इसकी टाइट्रेशन करा दीजिए सबसे पहले किसके साथ। अगर आपने इसकी टाइट्रेशन कराई, ध्यान से सुनना, किसके साथ, NaOH के साथ। तो ये जो H2CO3 है ये भी पहले इसमें चेंज हो जाएगा, NaHCO3 प्लस, पहले वाला तो एज इट इज रहेगा वाई ग्राम, और ये कुछ चेंजेस होगा, ये कहां से बन रहा है, इसके साथ बन रहा है, और ये तो एज इट इज सेम है, इसको ऐसा का ऐसा ही छोड़ दो, सिर्फ ये होगा। फिर उसके बाद आप नहीं मान रहे, फिर आप NaOH के साथ फिर रिएक्शन करा रहे हो, तो अब ये भी किसमें चेंज हो जाएगा, Na2CO3, और ये भी किसमें चेंज हो जाएगा, Na2CO3। तो ये कब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जब ये इसमें कन्वर्ट हो चुका हो। तो दो बार टाइट्रेशन होगी, फर्स्ट टाइट्रेशन यहां, सेकेंड टाइट्रेशन यहां, और फाइनली आपके पास ये दोनों बन के आ जाएगा, इसलिए इसको डबल टाइट्रेशन बोल रहे हैं। तो जब आपके पास केवल ये बन के आ रहा है, ठीक है, आने दो, और जब आपके पास ये बन के आ रहा है तो भी आने दो। तो दो बार आपको यहां पर टाइट्रेशन देखने को मिलेगी। देखिए डबल टाइट्रेशन को समझिए, आपके पास डबल टाइट्रेशन के अंदर दो सॉल्ट दिए जाएंगे, सॉल्ट Na2CO3 दिया जा रहा है प्लस NaHCO3 दिया जा रहा है, ये एक तरह से कंप्लीट न्यूट्रलाइज सॉल्ट है, क्योंकि इसके अंदर एक भी एसिड एक हाइड्रोजन नहीं है, जबकि ये एक तरह से क्या है, एम्फोटेरिक सॉल्ट या एसिडिक सॉल्ट हम बोल सकते हैं, और कंप्लीट न्यूट्रल, कंप्लीट सॉल्ट बोल सकते हैं हम, क्योंकि ये पूरी तरह से एसिड बेस न्यूट्रलाइज हो चुका था, ठीक है। अब अगर आपने यहां पर HCl के साथ रिएक्शन कराई, तो सबसे पहले क्या होगा, HCl किसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ या इसके साथ, इसके साथ। तो इन दोनों के साथ रिएक्शन हो गई, तो आपके पास एक समय NaHCO3 बनेगा, यानी आप इस पूरी रिएक्शन को किसके साथ कर रहे हैं, HCl के साथ टाइट्रेट कर रहे हैं। तो ये तो हो गई आपकी फर्स्ट फर्स्ट टाइट्रेशन। लेकिन क्योंकि हमारा सारा Na2CO3 आज की तारीख में किसमें चेंज हो चुका है, NaHCO3, और अभी भी इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है और Na+ भी है, आपने फिर HCl के साथ रिएक्शन कराई, तो लास्ट में ये किसमें चेंज हो जाएगा, H2CO3। यहां आपके पास pH लगभग आ रही होगी, क्योंकि ये सॉल्ट है, काफी हद तक ज्यादा आ रही होगी, ये आ रही होगी लगभग आपके पास 12 से 10 से 12 के बीच में या 12 के आसपास। यहां आपके पास pH आएगी लगभग 8-9 के आसपास, और यहां आपके पास pH आएगी लगभग 4 के आसपास। समझ में आ रहा है? तो जब मेरे पास शुरुआत में
तो यहाँ फिनोफ्थेलिन अपना कलर शो करेगा, पिंकिश कलर रखेगा अलग ही, तो पिंकिश कलर अपेयर हो रहा है, यानी फिनोफ्थेलिन आपके लिए यहाँ पर पिंक कलर शो करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद फिनोफ्थेलिन की रेंज क्या होती है, रेंज कितना हो गया, 8 से 10, तो वो कलर शो कर देगा 10 के बीच में आ रहा है नो। और फिर उसके बाद यहां आप यूज करोगे मिथाइल ऑरेंज, या मिथाइल मिथाइल ऑरेंज बेस्ट है आपके लिए, तो यहां वो एक तरह से येलोइश कलर ले लेगा। तो अगला इंडिकेटर आपके पास मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, तो ये एक तरह से मिथाइल ऑरेंज आपके पास कलर शो करेगा, येलोइश कलर ले लेगा और ये पिंकिश कलर ले लेगा, ठीक है। तो दो बार आपके पास इक्विवेलेंट पॉइंट आएंगे, एक फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट आपके पास यहां आएगा, फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट, और फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट आपको ये बताएगा कि कंप्लीट अब आपके पास सिर्फ NaCO3 है, जबकि सेकेंड इक्विवेलेंट आपको क्या बताएगा, कंप्लीट H2CO3 है, ये तो रहा आपका डबल टाइट्रेशन का प्रोसेस। आपने डबल टाइट्रेशन का प्रोसेस को समझ लिया, दो इंडिकेटर लेने पड़ रहे हैं, दो बार एंड पॉइंट आएंगे, एक फर्स्ट एंड पॉइंट आपको पिंकिश कलर देगा जिससे आपको पता चलेगा आपके पास सिर्फ कंटेनर में NaCO3 है, यानी Na2CO3 NaCO3 में चेंज हो चुका है, समझ में आ रहा है। यहां मान लीजिए इसके कंज्यूम इक्विलेंट है वो आपके पास है N1V1, और यहां आपके पास कंज्यूम हो रहे इक्विवेलेंट वो है आपके पास मान लीजिए N2V2, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, यानी कि इक्वेशंस क्या बनेगी, वो केमिकल क्या कहते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस या फॉर्मूला आपके पास जो बनेगा वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, इक्विवेलेंट ऑफ HCl इन फर्स्ट टाइट्रेशन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इन फर्स्ट टाइट्रेशन। बता सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना होगा, आप लिख भी चुके हो N1V1, बता सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 कितना होगा, सामने देखो पहले फिर लिखिएगा, Na2CO3 के इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे आप, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना है Na2CO3 का इस रिएक्शन में, सिर्फ वन, क्योंकि एक एन ए प्लस ट्रांसफर हो रहा है तो वन आएगा Na2CO3 के लिए, तो इससे आपको Na2CO3 का मास पता चल जाएगा। और 10 सेकेंड रिएक्शन में, हाँ बेटा ये चीज क्लियर है। फिर दूसरा इक्वेशन, ये तो फर्स्ट केस फर्स्ट बनेगा जिससे आपको आपको W Na2CO3 पता चल जाएगा, N1V1 में दे दूंगा, मोलर मास आप Na2CO3 का निकाल के खुद रख लीजिएगा और बाकी सब कर लीजिएगा, Na2CO3 126 प्लस 60 106 आ जाएगा मोलर मास, कर लेंगे आप। सेकेंड टाइट्रेशन यानी केस सेकेंड, केस सेकेंड में इक्विवेलेंट ऑफ HCl जो कि अब आपके पास कितना है N2V2, वो किसके इक्वल होंगे, इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 के बराबर होंगे, क्योंकि अगली बार ये NaHCO3 कंज्यूम हो रहा होगा। तो क्या आप इधर देखिए इसके मोल बता सकते हो, NaHCO3 के मोल कितने होंगे, मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर करना है अपन को, तो मोल मैं बता सकता हूं कैसे, एक तो ये वाले मोल होंगे, ये वाले मोल कितने होंगे, W डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, और वो कौन सा NaHCO3 के, बोलो क्लियर है, प्लस यहां से भी NaHCO3 के मोल बनेंगे, लेकिन इससे जो ये बनेंगे वो कितने बनेंगे, टू टाइम्स बनेंगे, बोलो यस और नो। Na2CO3 के लिए आपको
टाइम्स या वन टाइम्स, सिर्फ वन टाइम्स, सॉरी वन टाइम्स ही बनेंगे क्योंकि एक ही एन गायब हो रहा है, तो एक एन तो अभी यहां पर है, तो इसका मतलब प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, Na2CO3 मल्टीप्लाई बाय वन टाइम्स आएगा क्योंकि एक एन गायब हो रहा है। और या आप थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हाँ मैंने सही बोला कि एन को बैलेंस कर लो आप, सिर्फ सिर्फ एन को बैलेंस करोगे तो ये रिएक्शंस आपको दोबारा लिख देता हूं मैं नीचे की तरफ, Na2CO3 प्लस HCl क्या बन रहा है, NaHCO3 प्लस NaCl। हाँ सही है, तो जितने मोल इसके हैं उतने मोल इसके आएंगे, बोलो यस और नो। तो मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, वन, टू मत सोचना, आपको लग रहा होगा सर Na को बैलेंस करेंगे तो यहाँ टू आ जाएगा, नहीं, एक तो ये बनेगा NaSCO3 और एक बनेगा NaCl, तो जितने मोल Na2CO3 के उतने NaCl3 के होंगे, और ये Na2CO3 के मैंने मोल निकाल दिए, मल्टी अब वन ही रहेगा, ये मोल है, ये क्या है, मोल है। मुझे क्या चाहिए, इक्विलेंट, इक्विलेंट किस में चाहिए, सेकंड टाइट्रेशन में, और सेकंड टाइट्रेशन में इसका एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर वन, क्योंकि एक एन है, तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई बाय वन, तो N2V2 से, क्योंकि W आप ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन से निकाल चुके हो, मान लीजिए ये W1 है, ये W2 है, तो सारा आपका क्वेश्चन एक ही साथ एक ही पैटर्न पे हो जाएगा, इसका मास W1, इसका मास W2, तो क्या W1 यहां से निकाल के यहां रख देंगे और W2 निकाल सकते हो आप, हाँ बहुत आसानी से निकाल सकते हो, बाकी काम प्रैक्टिस करेंगे तो हो ही जाएगा। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, W1 W2 निकाल दिया, कंपोजिशन आपके सामने आ जाएगा, करें इसको। देखिए ये क्वेश्चंस को देखिए, डबल टाइट्रेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, ए सॉल्यूशन कंटेन्स Na2CO3 एंड NaHCO3, 20 ml ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, 4 ml ऑफ 1N, N यहाँ पर यूनिट है नॉर्मलिटी के, 1N HCl फॉर टाइट्रेशन विथ pH इंडिकेटर, फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर, pH का मतलब यहाँ फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर है, द टाइट्रेशन वॉज रिपीटेड विथ द सेम वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बट विथ MeOH, इस बार हमने MeOH के साथ किया, और 10.5 ml ऑफ 1N HCl के साथ हमारे पास रिक्वायर्ड दिस टाइम, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3। तो इसको सॉल्व करें उससे पहले कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हमने दो बार टाइट्रेशन की है इंडिविजुअली, एक बार हमने लिया है Na2CO3 और NaHCO3 का मिक्सचर और 20 ml लिया है, दोबारा भी हमने वही लिया है Na2CO3 और प्लस NaHCO3 20 ml। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि सेम कंपोजिशन दो अलग अलग इंडिकेटर के साथ लिया जा रहा है, बस एक बार हमने फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर लिया है pH और एक बार हमने मिथाइल ऑरेंज MeOH लिया है। फिनोफ्थेलिन कब कलर चेंज करेगा, जब pH लगभग 8 से 10 के बीच में आ रही हो, और मिथाइल ऑरेंज तब करेगा जब आपके पास 3 से 4 के बीच में या 3 से 5 के बीच में आ रही हो, इसका मतलब ये तब चेंज करेगा जब सिर्फ आपके पास कंटेनर में क्या रह जाएगा, NaHCO3, और यहां पर आपके पास H2CO3 रहेगा, दो अलग अलग टाइट्रेशंस आपके पास हो रही है, तो यहां से जो इक्वेशन बनेगी, मान लीजिए इसके x ग्राम है और इसके y ग्राम है क्योंकि सेम कंपोजिशन लिया है, तो यहां पर x ग्राम रहेगा और यहां पर क्या रहेगा, y ग्राम, इज दैट क्लियर। तो अब हम कैसे सोचते हैं इस क्वेश्चन को करते वक्त, हम ये सोचते हैं कि हमें अगर इसके x ग्राम है और रिएक्शन क्योंकि इस जगह Na2CO3 ही करेगा, तो x डिवाइडेड बाय Na2CO3 का मोलर मास 46 प्लस 60 106, ये इसके मोल आ गए,
इसका एन फैक्टर कितना होगा? 1 मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर इक्विवेलेंट। और दूसरी तरफ इसके लिए इक्विवेलेंट कितने होंगे? 4 डिवाइडेड बाय 1000, लीटर में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 1, इससे आपके पास एक्स आ जाएगा। बोलो क्लियर है? तो यहां सब NaHCO3 में चेंज हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? ये क्रॉस हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा एक तरह से 6 चौक 24, 424 डिवाइडेड बाय 1000, तो 0.424 ग्राम, एक आपका आंसर आ चुका है। दूसरी तरफ हम जब यहां करेंगे MuH लेंगे तो सब H2CO3 में रिएक्शन हो जाएगा, यानी HCl आपके पास जब ले रहे हैं वो इसके साथ भी रिएक्शन करेगा, इसके साथ भी करेगा। जब इसके साथ करेगा तो एन फैक्टर कितना आएगा? 2, क्योंकि पूरा Na इसमें चेंज होगा, और इसके साथ करेगा एन फैक्टर कितना आएगा? 1। तो बताइए x डिवाइडेड बाय 106 मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर कितना आएगा? 2 प्लस y डिवाइडेड बाय NaHCO3 23 प्लस 1 24, 24 प्लस 60 84 मोलर मास 84, और एन फैक्टर इसका क्या रहेगा? 1, क्योंकि ये एक ही Na प्लस दे सकता है, इज इक्वल टू N1 N2V2। N2V2 कितना है यहाँ पर? 10.5 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1। क्या एक्स की वैल्यू आपको मालूम है? हाँ, कितना है? 0.424 डिवाइडेड बाय 106 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 84, और ये वैल्यू आएगी 10.5 अपॉन 1000 के बराबर। और वाई की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? 0.21 ग्राम। दोनों आंसर आपके पास है, कर लीजिए। क्वेश्चन को करते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से मैंने पढ़ा तो मेरे दिमाग में आया कि मैं 2 बार अलग अलग टाइटेशन कर रहा हूं, कंटिन्यू एक टाइटेशन को फॉरवर्ड में नहीं लेके जा रहा। यहां 20 ml है, यहां पर भी 20 ml है, ये बोलने से मेरे को पता चला है कि सेम अमाउंट जो यहां है वही यहां रखना है। अगर यहां 20 और यहां 40 बोलता तो मैं यहां xy मानता, यहां पर 2x 2y मानता मैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि वॉल्यूम क्वांटिटी डबल करिए तो मास भी डबल होगा हर एक का इंडिविजुअली। इज दैट क्लियर? तो कहीं ना कहीं सेम क्वांटिटी देने का मतलब उसका आपसे क्वेश्चन को इजी बनाना है। यहां 20 देता है, यहां 100 देता ना, तो मैं यहां एक्स वाई मानता, यहां पर 5x 5y मानता, और फिर इंडिविजुअली रिएक्शन कराइए। बिल्कुल, इसकी इंडिविजुअली कराने का पता मुझे क्वेश्चन की थीम को पढ़ते हुए पता चल गया। तो यहां पर इसके लिए कितना आएगा एन फैक्टर? ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, हाँ, और क्या बनाएगा? NaHCO3। इसका एन फैक्टर कितना बनेगा? 1। ये पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा? हाँ, ये भी करेगा, और इसका एन फैक्टर क्या रहेगा? 0। गलती बोल गया, ये करेगा ही नहीं, ये तो यही बन रहा है, तो ये करेगा क्या? नहीं। तो यहाँ रिएक्शन ही नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी तो भूल जाओ। सिर्फ इसके मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर कर दिया मैंने, इक्विवेलेंट आ गया, और वो मेरे इक्विवेलेंट किसके इक्वल आएंगे? N1V1 ऑफ HCl। फिर दोबारा टाइटेशन की, दोबारा वही सॉल्यूशन खरीद के आया, वही क्वांटिटी रखी 20 ml यानी xy ग्राम। फिर इस बार मैंने MuH लिया, तो कब ये वाला पॉइंट आके निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। कलर कहाँ चेंज होगा? जब pH क्या आ गई? 3.5, यानी इसका मतलब प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? H2CO3, पता चल रहा है ना, H2CO3 फाइनल प्रोडक् ट होगा मिथाइल ऑरेंज में। यही तो अंदर की आत्मा की आवाज आनी चाहिए कि फाइनल प्रोडक्ट H2CO3 होगा यहाँ पर, क्योंकि MuH जब कलर चेंज होता है तो कंटेनर में सिर्फ H2CO3 रहेगा। और यहां पर अब आपके पास N फैक्टर इसके लिए कितना होगा? 1 या 2? 2। और इसके लिए N फैक्टर क्या रहेगा? 1। ये पता लगाना कि फाइनल प्रोडक्ट NaHCO3 रहेगा या H2CO3 रहेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपके पास इंडिकेटर कौन सा है, फिनोफ्थेलिन है या मिथाइल ऑरेंज है। ये हो गया। अब यहां पर इन दोनों के मोल, मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर इक्विवेलेंट आ गए इसके, इनके इक्विवेलेंट आपने ये लिख दिए। ये इक्विवेलेंट को आप किसके इक्विवेलेंट करोगे? N2V2 के, क्योंकि आपके पास कितना दे रखा है? V2 इतना दे रखा है, N2 आपके पास 1 ml दे रखा है, कर दिया।
एक्स एंड वाई दोनों निकाल दिया। अब इस क्वेश्चन को अलग तरह से कैसे घुमा सकता था? पहले आपको क्या देता वो इस जगह, मिथाइल ऑरेंज, नहीं सॉरी फिनोफ्थेलिन, यहां आता और कंटिन्यू इसी को आगे ले जाता, कंटिन्यू इसी को आगे ले जाता, तो फिर आप क्या करते हैं? यानी अलग से सॉल्यूशन ना लेके वो कहता कि पहले मैंने मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन दोनों मिला रखा है, पहले ये कलर आया पिंकिश कलर और फिर बाद में ये कलर आया, तो आपका कंसेप्ट सिक्वेंस रिएक्शन का हो जाता। यहां पर अभी किसका है? पैरेलल रिएक्शंस का, तो सिक्वेंस रिएक्शन में ये वाला पार्ट तो एज इट इज चलता। समझ में आ रहा है? नीचे वाली रिएक्शन करते वक्त आपको क्या करना पड़ता कि आप क्या इसके मोल निकाल सकते हो इंडिविजुअली? हाँ, इसके मोल से इसके मोल पता चल जाते हैं, जितने मोल इसके हैं उतने ही मोल NHCO3 के होते हैं, तो इसका मास डिवाइडेड में मोलर मास मोल, जितने मोल इसके होते हैं उतने मोल NHCO3 के होते हैं, और इसके मोल एज इट इज यहां आ जाते हैं, तो इसके मोल कितने होते हैं? फाइनली दिस मोल प्लस दिस मोल, मोल आ जाते हैं यहां पर, और जब यहां मोल आ जाते हैं तो यहां एन फैक्टर कितना आता है इसके बाद H2CO3 बनने में? एक, तो मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर और इज इक्वल टू N2V2 कर देते हैं। क्वेश्चन का थोड़ा सा कंसेप्ट अलग रहता। कुल मिला के आपको आसान भाषा में बताऊं, यहां पर जो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, यहां पर भी 1 आता, यहां पर भी 1 आता, और इक्वेशन ये आ जाती, बाकी सब कुछ सेम रहता, पैरामीटर लगाओ दिमाग, सिर्फ यहां 1 1 रहते अगर आप कंटिन्यू ये सीक्वेंस ले जा रहे होते, अलग से नहीं लाते सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन के अंदर मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन दोनों मिला दिया, पहले फिनोफ्थेलिन कलर देगा फिर मिथाइल ऑरेंज दे देगा, तो बस अंतर ये रहता, ये इक्वेशन बनती, यहां 1 1 आता, ये चीज है। करिए इसको।